अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। मतलब यहाँ पर अब कुछ नए जो प्रतिबंध है उसको लागू कर दिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने पुष्टि किया है कि रियाद सीजन की जो भी गतिविधि है उसमें टिकट तवक्कलना एप्लीकेशन से जुड़े होंगे। अगर आप सऊदी अरब के किसी भी जगह जाते हो तो अब आपको सावधान रहना है, क्योंकि वेबसाइट से टिकट खरीदने के बाद आपको फॉलो बटन पर क्लिक करना होगा और जो भी ट्रस्ट लिंक है उस पर ही आपको क्लिक करना है और लिंक करना है, फिर टिकट देखने के बाद में बटन पर क्लिक करना है और ये लगातार आपको प्रोसेस करना है जहां पर आप जो है ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगह में जाते हो। दोस्तों, आपको ट्रस्ट लिंक पर ही क्लिक करना है, क्योंकि बिना ट्रस्ट लिंक पर आप क्लिक के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हो, इसके लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा, तो यह आप जरूर ध्यान रखें। तीसरा चरण आवेदन में टिकट देखने के लिए बटन दबाना होगा और फिर आप किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, सऊदी अरब में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए एक बुरी अपडेट है, जो अभी समय सीमा 10 अक्टूबर 2021 के लिए दिया गया है। मतलब अगर आप वैक्सीन नहीं प्राप्त किए हो तो आपका जो टेस्ट है वो अब आप नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो भी तवक्कलना एप्लीकेशन है उसमें आपका जो भी डाटा है वो एक तरह से हटा दिया जाएगा। और दो वैक्सीन अगर आप नहीं लेते हो तो आपको सैनिक परिवहन, मतलब आप जो है किसी भी गाड़ी में अपना सफ़र नहीं कर सकते हो, जैसे कि बस या कुछ इस तरह से। बाकी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आप निजी संस्थान में भी प्रवेश नहीं कर सकते हो, तो आप जरूर दूसरी वैक्सीन अभी प्राप्त करें। दोस्तों, अगली अपडेट उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है जो लोग सऊदी अरब से दुबई जाना चाहते हैं, क्योंकि जो सऊदी एयरलाइंस है उसकी तरफ से एक नई अपडेट जारी की गई है, जहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अभी अपनी फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 15% तक छूट दी जाएगी और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही आप इसका फायदा ले सकते हो। तो अगर आप सऊदी अरब से दुबई जाना चाहते हो तो अभी आप अपनी बुकिंग कर सकते